तो है हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए। तो गाइस, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, मैं और भैया जैक और साथ में बॉब इस शिप में आए थे, जो कि गाइस हमें पता चला जब कि ये एलियंस की शिप है, तो यहाँ पर यार बहुत ज्यादा खतरा है। ओए मुन्ना, तू टेंशन मत लिया कर, सभी खतरों का सामना हम लोग सभी मिलकर करेंगे। ओए और सभी एलियंस को तोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे। ओए हाँ भैया, वो बात तो है, लेकिन भैया हम लोग तीन लोग इतने सारे एलियंस का भला क्या बिगाड़ लेंगे भैया, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल सही कहा होगी, जब हम लोग इसको अपने घर में नहीं संभाल सकते थे तो हम तो उनके बेस में आ चुके हैं, तब भला हम लोग इनका क्या कर पाएंगे। ओए मुन्ना, जब दुश्मन सामने वाला जब ज्यादा पावरफुल हो ना, तो हम लोग को उसको घर में घुस कर ही मारना चाहिए, क्योंकि वो हमारा तो बहुत नुकसान कर देगा, लेकिन अगर हम उसे घर में घुस कर मारेंगे तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा और हम लोग उसे मार भी लेंगे। ओए भैया, ये सब बातें कहने की होती है, करने में तो भैया बैंड बज जाती है ना। ओए ये बात तो सही है, लेकिन मुन्ना हमें करना तो पड़ेगा ही ना। और चल अपने दोस्तों को साउट आउट देते हैं, जिसमें हम लोग को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा साउट आउट देने में। हाँ भैया, ये बात तो सही कही है। तो प्यारे दोस्तों, जैक द फाइटर की तरफ से तोड़ने फोड़ने वाला 2000 किलो का साउट आउट, और तोड़ दो और फोड़ दो, और आज तो कमेंट सेक्शन में भसड़ मची जानी चाहिए, क्योंकि आज हम एलियन से बहुत बड़ी जंग लड़ने वाले हैं, तो आज जाके कमेंट सेक्शन में भसड़बाजी मचा ही दो। ओए और गाइस, मेरी तरफ से यार सभी को एकदम बड़े वाला साउट आउट, और मेरी तरफ से सभी को एकदम टिकी टिकी वाला साउट आउट हिचके। ओए मुन्ना, ये बता हमारे पास सामान क्या क्या है, पहले मैं इनको देख लेता हूँ। ओए ये बटन बेफालतू लगा के रखा है। ए भैया, इस शिप को एलियंस ही चला सकते हैं, हमारे बस की नहीं है। ओए एलियंस कैसे चला सकते? ये क्या है भैया, ये क्या, ये तो इधर ही मुंडे निकाल के बैठे हुए हैं। कर देंगे सबके ठक टके। है बाप, ठक टके नहीं कर सकते यार। और कर कैसे नहीं सकते, ये ले। ए भैया नहीं लग रही ना, क्योंकि भैया ये लोग इतने बड़े बड़े हैं, ये देखो भैया इनकी मुंडी ऊपर तक आ रही है, और भैया इन्होंने हम लोग को देख लिया है, और तो देख लिया तो क्या कर लेंगे, इनकी शिप में इन्हें घुस कर मारेंगे। हे भैया, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए यार, उस बार भैया हमने मारने की कोशिश की थी और हमारी ही बैंड बच गई थी। और अब नहीं बचगी ना। ओ इस लीवर से कुछ होगा क्या? अहू रुक जा जैक, मैं दबा के देखता हूँ। अहू ये क्या, ये प्लेट खुल गई, मतलब कि इधर कुछ है। ओए क्या है इधर? ओए मुन्ना तुझे क्या लगता है? हे भैया, मुझे लगता है ये फालतू का है, हमें भैया ऐसे बहकाने के लिए है, और भैया एलियंस की टीम आ रही होगी तो हम लोग की बैंड भी बजा देगी, यहाँ से निकलना पड़ेगा, और भैया हम लोग को कुछ ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो कि इसका कंट्रोल रूम वगैरह हो, ताकि भैया आज अगर इधर से जाएंगे तो शिप को बर्बाद करके जाएंगे, और भैया आज हम लोग को इधर से किसी तरह से निकलना भी पड़ेगा, नहीं तो भैया ये देखिए एलियंस तो जान गए हैं ना हम लोग इस शिप में है। ओए वो तो ठीक है, लेकिन इधर निकलेंगे कैसे, और इधर कंट्रोल रूम किधर है? हे भैया, हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा यार। ओए रुक जा, इसे तोड़ने दे। ओ इधर तो एक एलियन है हिचका। ओए मुझे भी लगता है, ओए मुन्ना इधर तो एक एलियन है। हे भैया एक नहीं, हे भैया ये क्या, एक एलियन नहीं है, बहुत सारे एलियन है, भागिए भैया। ओए ये क्या, ये जान गए लोग। ओए नहीं छोड़ूंगा ये लो। ओए ये क्या, बहुत सारे, मुन्ना भागना पड़ेगा। हाँ भैया वही तो बोल रहा हूँ यार, भागिए जल्दी से। ओए भाग ही तो रहा हूँ, अब कैसे भागू। ओए भैया उन्हें हमारे आने का पता चल चुका है, भागिए जल्दी यहाँ से। ओए किधर भागू, ओ इधर रास्ता नहीं है, ओए सामने ही भागता हूँ सही रहेगा। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो हमारी बैंड बच जाएगी। आगे सभी पीछे सभी, अब नहीं बचेंगे। ओए बचेंगे कैसे नहीं बाप, रुक जा जय कह तो। ओए निकल ले भैया, हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है यार। ओए भाग ही तो रहा हूँ मुन्ना। ओए ये क्या, पता नहीं कौन सा, ओ फिर से आ गए। हे भैया आगे पीछे दोनों एलियन से यार, क्या करें। ओए इधर से भागे मुन्ना, टेंशन क्यों ले रहा है। ओए बच जाएंगे। ओए रुक जा, TNT लगा देता हूँ ताकि बीच बीच में फोड़ते जाए। भैया फोड़ने का टाइम नहीं है, पहले भागे यार। ओए फिर से वहीं पर आ गए घूम फिर के। हाँ भैया अभी के लिए सेफ है यार। बाल बाल बच गए। ओए बाल बाल नहीं, वो आ गया नमूना है भैया, इसको छोड़िएगा नहीं। ओए रुक जा, ओए ये ले, छोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ओए ये ले, ओए माप कर दे ठक टिकी। ओ हो गई ठक टिकी, बच गए बाल बाल। ओए अभी कैसे बच सकते, इतने सारे पीछे लगे हुए थे। ओए संभाल कर कहीं से भी आ सकते हैं बाप। अब तो लगता है चले गए। ओए चले नहीं गए, वो देखे कौन आ रहा है बाप। आओ इसकी भी करेंगे ठक टिकी, आजा एलियन राजा, आज तेरे बजाऊंगा बाजा हिचका। ठक टिकी कर दूंगा तेरी मैं, ठक टिकी हो गई तुन्ना तुन्ना हिचका। हे भैया ये क्या यार, इतने सारे एलियन पीछे पड़ गए, हम लोगों ने भैया बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। ओए और तो नहीं है, रुक जा मुन्ना। ओए एक और आ रहा है बाप, संभल के रहना। आओ एकदम एवर रेडी। ओए आजा, ये ले तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, और छोड़ूंगा नहीं, जैक का 2.5 किलो का हाथ है, बचेगा नहीं जैक का 2.5 किलो का। ओए ये क्या, मुझे मारेगा। आओ ठक टिक, ये क्या, इससे तो लगी नहीं रही हिचका। ओए बाप जल्दी। ओए ये क्या हो गया है भैया, ये क्या हो गया। ओए ये, ओए मार कैसे रहा है, निकल दे नमूने। ओए इसको लग क्यों नहीं रही, अब लग गई। ओए ये क्या मुन्ना, बच गया आज तो।
हे भैया ये क्या यार, मेरी तो भैया धड़कने बहुत तेज तेज चलने लगी और मैं भी मुन्ना बहुत तेज डर गया था, इतने सारे एलियंस हमारे पीछे पड़ गए थे। हे भैया इन सभी को अब तो पूरी तरह से पता चल चुका है कि हम लोग शिप पर आ चुके हैं और भैया ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। वो इधर भी एक मंडरा रहा था, वो ये क्या मतलब शिप के ऊपर भी एलियन है। हाँ भैया, और भैया हम लोग को इसका कंट्रोल रूम जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। हे बाप क्या कर रहे हैं यार, मैं ऊपर, ये क्या इधर से भी आ गया, मैं सोचा ऊपर से निकलते हैं। हे बाप क्या बात करते हो यार, नीचे देखो कितनी बड़ी खाई है नीचे। ओए बाप अगर इतनी ऊंचाई से गिरे ना तो बचेंगे भी नहीं, और हम लोग को पता भी नहीं हम लोग किस डायमेंशन में आ चुके हैं, तो हम लोग अपने घर भी नहीं जा सकते, यही शिप में हमें रहना पड़ेगा और यही से हम लोग को घर जाना पड़ेगा। ओए हाँ बाप, भैया सही कह रहे हैं, जल्दीबाजी का कोई फायदा नहीं है यार, क्योंकि हम लोग को इसी शिप में अपने घर जाने का रास्ता मिलेगा, कहीं तो होगा भैया। ओए रुक जा, ओ ये क्या इधर एक गेट लगा हुआ, इधर देखता हूँ, अभी तोड़ता हूँ, हिचके आओ। ये क्या, नीचे तो नीचे गिरने का रास्ता है। हे भैया इसको बंद करना ही सही रहेगा यार, नीचे तो भैया देखिए गिरेगे तो भैया बचेंगे भी नहीं यार। ओ ये क्या मतलब नीचे जमीन दिख रही है। हे भैया जमीन नहीं है यार, ये कोई दूसरा प्लेनेट टाइप का लग रहा है, और मुझे भी लग रहा है। और ये क्या, या तो पूरी मुन्ना एलियंस का बसेरा है यहाँ पर, तो भैया यहीं से जितने भी एलियंस हैं हमारे प्लेनेट पर लगता है यहीं से आ रहे थे। और मुझे भी यही लगता है। ओए मुन्ना क्यों ना हम इस पूरा शिप को ही उड़ा दे, ताकि जितने भी एलियंस हमारे वर्ल्ड से चले ही जाएंगे, क्योंकि मुन्ना इस शिप में ही एलियंस की जान बसती है। ओए आओ जैक, पगला गया क्या, इतनी बड़ी शिप को उड़ाने के लिए हम लोगों के पास तो TNT भी नहीं है, हिचके आओ। ओए ये भी बात सही कही है, इतने TNT में तो शिप का एक पार्ट भी नहीं उड़ेगा। ओए हे भैया ये पॉसिबल हो सकता है यार, ओए कैसे पॉसिबल हो सकता है, और मुन्ना तुझे पता है ना शिप उड़ जाएगा तो हम लोग भी उड़ जाएंगे। हाँ भैया ये भी बात सही कही है, सोचना पड़ेगा भैया, और पहले यहाँ से कूदते हैं और दूसरा कुछ देखते हैं कि शायद हम लोग को कुछ अच्छा ही मिल जाए। ए भैया संभल कर, यहाँ पर बहुत सारे होंगे एलियन, ओए होने दे तो क्या है, मैं देख लूंगा ना। ए भैया अभी साथ मिलकर आया था तो भागना पड़ा था, अभी तो भैया हम लोग उनके बेस में आ चुके हैं, ओए मुन्ना मुझे भी पता उनके बेस में आ चुके हैं। हे भैया मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, ये देखिए भैया पूरी शिप में भैया ये पावर कहाँ से जा रही है, हम लोग को भैया इसका पावर सेंटर ढूंढना पड़ेगा। और अब इसका पावर सेंटर ढूंढ के क्या करेगा, हे भैया थोड़ा सोचे ना, अगर भैया वो चीज पूरी शिप को पावर दे सकती है, मतलब कि भैया पूरी शिप को उड़ा भी सकती है, और मुन्ना लेकिन हम लोग का क्या होगा। आओ जैक ये बता, जो हमारे अर्थ पर पोर्टल खुला है अगर उसके जरिए हम लोग शिप पर आ सकते हैं, तो एक पोर्टल शिप में भी होना चाहिए और उसके जरिए हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, हिचका हो। ये भी बात सही कही, रुक जाना मुन्ने सोने दे, फिर सोचते हैं और निकल ले। और तू कहाँ से आ गया, ओए मुन्ना बाप की बात भी सही कह रहा है। हाँ भैया वही तो बोल रहा हूँ, मतलब कि भैया हम लोग को वही बेस ढूंढना पड़ेगा। चलिए पहले भैया हम लोग उसका पावर सेंटर ढूंढते हैं, वो कहाँ पर है। ओए मुन्ना तुम दोनों ने बढ़िया दिमाग चला लिया, पता नहीं मेरा कब चलेगा। है भैया उसको छोड़िए यार, ओए लेकिन मुन्ना कुछ भी हो प्लान एकदम मजेदार है, क्योंकि मुन्ना इससे हम लोग शिप को भी उड़ा देंगे और अपने घर भी पहुंच जाएंगे और पूरे अर्थ से एलियन भी चले जाएंगे। हाँ भैया यही तो प्लान है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया इसका पावर सेंटर कहाँ पर है, और उस पोर्टल को भी ढूंढते हैं जिसके जरिए हम लोग घर भी जा सकते हैं। क्या ओए बात तो सही कही बाबा रोगी, ओए चलो अब शुरू हो जाओ अभियान में और हम होंगे कामयाब एक दिन। ओए है भैया मुश्किल वक्त कमांडो शख्स, ओए चल ठीक है, ये डायलॉग बोला जरूरी था का, मेरा सही है, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्यों बिल्कुल सही कहा, हिचका हिचका चल ठीक है। ओए ये क्या मुन्ना सामने है, हे भैया ये क्या यार, TNT का पूरा, भैया ये क्या है, पूरा बेस ही TNT का है। ओए ये क्या मुन्ना इतने सारे TNT, ओ ये तो हमारे काम आ सकते हैं मुन्ना। हाँ भैया काम तो आ सकते हैं और बहुत ही ज्यादा काम आ सकते हैं भैया। ओ ये क्या, ओ ये कौन आ गया, ओ मकड़ी निकल ले, टाइम मत वेस्ट कर। ओ मुन्ना देख, ओ ये एलियन कहाँ से आ गया, ओ कर दूंगा तेरी मैं ठक टक ठक टक, निकल ले यहाँ से नहीं तो तेरी कर दूंगा ठक टक, वैसे भी हो गए इसके। ओ ये नमूने अलग से आकर पता नहीं इतना भयानक डरा जाते हैं। हे भैया उनको छोड़िए, हम लोग को TNT का भैया देखिए पूरा वही मिल चुका है, इतना बड़ा बंडल मिल चुका है TNT का। ओ मुन्ना इसी में हम लोग फ्लिंट एंड स्टील लगा दें क्या, एकदम बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। हे भैया धमाके के साथ हम भी जा सकते हैं। ओए मुन्ना इतने TNT से शिप नहीं उड़ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है। ओए ये क्या मुन्ना इनके तो टैंक भी इधर खड़े हुए हैं। हे भैया मुझे लगता है अर्थ पर भैया जंग की तैयारी हो रही थी एलियंस की, और मुझे भी ये लग रहा है, ये देख मुन्ना जंग की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। हे भैया देखिए टैंक वगैरह सब कुछ खड़े हुए हैं। भैया ये कहाँ से आ गए यार, हे नहीं छोड़ूंगा भैया, मारिए इसको, निकल ले मेरे मुन्ना के पास से, मार दिया। आओ, जो भी सोचना है जल्दी जल्दी सोचो, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है, हिचके आओ। ओए बात तो सही कहे मुन्ना, ओए मुन्ना मैं कहता इस पे फ्लिंट एंड स्टील लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ओए वैसे मुन्ना इतने TNT से पूरा शिप नहीं उड़ सकता है, क्योंकि मुन्ना शिप बहुत बड़ा है। हाँ भैया ये भी बात सही कही आपने, ये कहाँ से आ गए भैया, इसको नहीं फटने दीजिएगा, नहीं तो हम भी अभी फट जाएंगे।
और रुक जा, इसको मैं निपटा ही देता हूँ ना। ये ले, मार दिया। और ये क्या इतनी सारी एलियंस की आवाज आ रही है मेरे कानों में, मेरा दिमाग ही खराब होता जा रहा है। हे भैया उसको छोड़िए, लगा दीजिए जल्दी से फ्लिंट एंड स्टील। और रुक जा, पहले और टीएनडी थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं, हमारे मुन्ना आगे काम भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। चलिए भैया आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लगा दीजिए। और भाग ले मुन्ना। है भैया भागे जल्दी सीढ़ियों के ऊपर। और भागी तो रहा हूँ। और फटा क्या बाप, आओ फट गया। और उधर साइड का भी फट ही गया हिचका। और ये क्या, और ये क्या मुन्ना, देखा मुन्ना मैंने कहा था ना इतने टीएनडी से कुछ भी नहीं होगा। देख भला मैंने और टीएनडी ले लिया, हमारे आगे काम भी आ सकते हैं। हाँ भैया आपने भी एकदम दिमाग का काम कर दिया। इसी तरह से भैया अगर हम लोग एकदम मिलजुल कर काम करेंगे ना, तब तो भैया इस पूरी शिप को भी उड़ा देंगे और अपने घर भी पहुंच जाएंगे सही सलामत। चलिए भैया अब यहाँ से निकलते हैं। और चल निकलते हैं, अब यहाँ बचा ही क्या है। ओए ओए मुन्ना, इसका हम लोग अभी नीचे वाले फ्लोर में है, ऊपर वाले में चलते हैं तो कुछ मुन्ना समझ भी आएगा, इतना अंधेरा है नीचे। हे भैया क्योंकि बाहर हो चुकी है रात। ओए ये तो पता है मुझे। ओए तू कहाँ से आ गया, और यहाँ भी चैन नहीं है तुम नमूनों को। और निकल लो, एलियंस की शिप में क्या कर रहे हो। ओए अब कौन फट गया है भैया, एक क्रीपर ही फट गया। जल्दी से चलो, और भी एलियंस आ रहे हैं, हिचके हो। A few moments later. हे भैया संभल के चलिएगा, नीचे गिरे तो बचेंगे भी नहीं। क्योंकि भैया नीचे तो एलियंस ही घूम रहे हैं। ओए पता है मुन्ना मुझे। ओ ये क्या, ओए सही जा रहा है। हाँ भैया चलिए यार सीधा। ओए रुक जा, पहले ऊपर देख पहले क्या है। हे भैया ये क्या, इधर तो बेड सी बेड्स है। ओ ये क्या मुन्ना, आप तो सोने का जुगाड़ भी हो गया आज तो। हाँ भैया चलिए ना फिर जल्दी से। ओए रुक जा, आगे जाने का रास्ता तो बनाने दे। ओए बाप आज तो सो लेंगे हम लोग। अह जल्दी से चलो, मुझे नींद भी बहुत ज्यादा लगी है और सुबह भी हो जाएगी तो इतना ज्यादा डर भी नहीं लगेगा हिचका। ओए रुक जा, पहले इसको तोड़ने दे। ओए ये ले तोड़ दिया। हे भैया मतलब इधर साइड बेड्स लगे हुए हैं, इधर से ही रास्ता होगा भैया। और रास्ता वगैरह मुन्ना सुबह देखेंगे, अभी सोते हैं, सो जा, गुड नाइट। ओए हे भैया उठ जाइए ना यार। मुझे भैया एलियंस की आवाज आ रही है। ओए कौन सा एलियन अब परेशान करने लगा। हे भैया ऊपर से आवाज आ रही थी यार। और ऊपर से कहाँ पर, ओए सामने से आ रही थी क्या। हाँ भैया मुझे बहुत तेज आवाज आ रही थी। ओ मुझे भी आ रही थी हिचका। ओए तो कहाँ पर है, ओए ये क्या नमूने इधर ही है। ओए नमूनो, ओए मुन्ना दो लग रहे हैं। हाँ भैया दो दो है। ओए तो रुक जा, एक को ऐसे ही तोड़ देते हैं ना। ओए अब आके दिखाओ नीचे। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ भी दूंगा, ओ कर दूंगा ठक ठकी। ये क्या तो मरी नहीं रहा। ओए मरेगा कैसे रहा, ये देख मर गया। ओए एक और बचा है। हे भैया संभाल कर, कहीं दो ना हो। ओए तो दो भी देखा कुछ कर नहीं पाएंगे, ये ले एक ही है देखा ना। हे भैया जल्दी तोड़ दीजिए, ये नहीं तो हमें तोड़ देगा। ओए हमें कैसे तोड़ेगा, क्यों बाप, कर देंगे इसके हम ठक ठक। रुक जा, हो गए इसके तुन्ना तुन्ना हिचके। हे भैया ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए। और भैया आगे मुझे लगता है देखिए सामने जाने का रास्ता है। ओए मुन्ना सामने बाहर जाने का रास्ता और किसी का भी नहीं है। ओए और मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है उतनी देर से, क्योंकि हम लोगों को ना पावर सेंटर मिल रहा है ना कोई पोर्टल वगैरह मिल रहा है। हे भैया पेशेंस रखिए यार, कहीं तो होगा, क्योंकि भैया शिप बहुत बड़ी है यार। ओ ये क्या आगे से रास्ता है मुन्ना। हे भैया हम लोग शिप के बाहर निकल जाएंगे। ओए तो क्या हुआ, निकल जाने देना। हे भैया शिप के बाहर पगला गए क्या, वहाँ क्या करने जाएंगे। ये देखिए भैया ये नमूने तो पहले ही हमारा इंतजार कर रहे हैं, इनको कैसे पता चल गया। ओए मुन्ना इन्हें पता कैसे नहीं चलेगा, इतनी तबाही मचा दी हमने शिप के अंदर, तो पता क्या पूरी फैमिली लेकर आ गए। ये देख बाहर तो इंतजार ही कर रहे हैं। हे भैया चलिए बाहर निकलते हैं। ओए मुन्ना खतरा बहुत है। हे भैया चलिए निकलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही भैया। ओए 1 2 3 भाग मुन्ना। हे भैया जल्दी से भागे, आओ जल्दी जल्दी भागो, पीछे एलियंस लगे हुए हैं इसके। आओ ओए ये क्या, ओ बहुत सारे एलियन, ये क्या या तो हमारी कर देंगे एक साथ मिलकर ठक ठक। ओए भाग जल्दी से। ओए ये क्या मुन्ना नीचे था। हे भैया मैंने भी देखा, ये नीचे क्या था भैया, शायद भैया हम लोग का पावर सेंटर मिल चुका है, लेकिन अभी के लिए भागे यहाँ से। ओए भाग रही मुन्ना सही रहेगा। ओए कूद जवाब, लगेगी लग गई। ओए कूद पहले जल्दी से, नहीं तो हम लोग को बचेंगे नहीं हम लोग। हे भैया अभी पीछे लगे हुए हैं क्या। ओए पीछे क्या, पूरे हाथ धोकर पीछे लगे हुए हैं, उनको देखने मत जाना। चलिए भैया पहले उतरते हैं, अभी आ रहे हैं क्या। ओए क्या पूरी फैमिली आ रही है उनकी। चलिए भैया फिर भाग गया, लेकिन भैया आगे कहाँ पर जाएंगे। ओए ये क्या आगे तो रास्ता बंद है। ओए आ रहे हो क्या, ओए ये ले छोड़ूंगा ना, ये ले। ओए बाप मार इसको, ओ कर दूंगा ठक ठक। हे चले जाओ यार, नहीं छोड़ूंगा। ओए मुन्ना तेरे कहने से चले जाएंगे क्या, वो तो हमें मारने के लिए आ रहे हैं। हे भैया आके रास्ता बंद है, क्या करें। ओए तो भागना इधर साइड। ओए ये क्या, आज तो बैंड लगता है बजा ही देंगे। हे भैया बहुत बड़ा रिस्क ले लिया यार, अब तो हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। हे भैया नहीं बचने वाले। ओए मुन्ना अब क्या करेंगे। ओए मत मारो, ओए ये ले छोड़ूंगा नहीं, ओए नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा।
ओए मुन्ना जल्दी जल्दी तलवार चला। हे भैया वही तो कर रहा हूँ, निकल जा यहाँ से, मैं तो सब कर दूंगा। और दो है बचे हुए और तो सबको मार दिया। और बहुत बढ़िया बाबी, और ये क्या तीन तीन है, कर दूंगा मैं सबकी ठक टिकी और जाएगी तुम लोग की। तुमना और तोड़ दूंगा। कढ़ाई किलो कहा था, फौजी कहा था, छोड़े गए तुम लोग को। हे नहीं छोड़ूंगा यार। हे भैया बहुत बढ़िया, हम लोग का टीम वर्क काम कर रहा है, इनको छोड़ना नहीं है। और निकल लो ना मुना, छोड़ूंगा नहीं। और ये ले, और मुन्ना दो और बचे हुए हैं, एक और बचा हुआ भैया, इसको भी तोड़ दीजिए। ये ले, छोड़ूंगा नहीं, कर दूंगा मैं ठक टिकी। हो गई इसकी तुन्ना तुन्ना, हो तुन्ना तुन्ना क्या हो जाएगी इसकी ठक टिकी। हे भैया टूट गया फाइनली। और बच गए बाल बाल मुन्ना, आज तो पूरी बैंड ही बच गई थी, खाना खाना पड़ेगा। हाँ भैया मैं तो सोचा भैया आज हम बचने ही नहीं वाले। ओए मुन्ना बचेंगे कैसे नहीं, अगर मुन्ना हम लोग तीनों मिलकर न लड़ते तो बचते भी नहीं। ओए मुन्ना तुझे पता है ना, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि एकता में बहुत शक्ति होती है, लेकिन भैया वो भी तो सब मिलकर ही आए थे ना। ओए तो मुन्ना हम लोग ज्यादा पावरफुल है ना उनसे। अरे भैया चलिए बाल बाल बच गए, शुक्रिया मनाइए, नहीं तो आज बचते भी नहीं। और आ रहे हैं क्या मुन्ना? हाँ भैया आ तो रहे हैं, पहले यहीं पर रहिए। ये क्या भैया इस बार कितने आ रहे हैं? और हाथ में तलवार ले ले, आगे लगता है। और आ जानो मुनो, उसी तरह तोड़ूंगा। और ये क्या, इसको अलग ही नशे चढ़ रहा है। और ये क्या, ये तो ऊपर चला गया है, भैया नीचे आ गया। और नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग कभी तोड़ दूंगा। मेरे कानों में तो एकदम बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। और ये इतनी आवाज ही करते हैं, और निकल ले। और पता नहीं पूरा कान ही खा ले रहा है मुन्ना। हे भैया मेरे कान को भी दर्द हो रहा है यार, इतनी भयानक आवाज है, मारिए जल्दी से। और निकल ले, और अभी भी बचा हुआ है, मर क्यों नहीं रहा ये। और ये ले, अब मर गया। हे भैया पूरे कान का ही बैंड बजा दिया, इतना भैया जोर से चिल्लाते हैं लोग। ओए मुन्ना मार दिया फाइनली, अब यहाँ से निकलते हैं। हे भैया आगे बहुत खतरा था, चलिए भैया अब उधर ही चलते हैं, क्योंकि भैया उधर ही हम लोगों को कुछ अच्छा दिखा था, शायद भैया वही हम लोग का पावर सेंटर हो। ओए मुन्ना काश वही हो। ओए पावर सेंटर तो ठीक है, सामने दो और है, ओ इनको अभी तोड़ देते हैं ना बाप। हो ये ले, एक फिर से पड़ी। ओ ये बहुत जल्दी मरते क्यों नहीं, पता नहीं भैया कितनी पावर लेकर आए हैं। पता नहीं भैया लोग झुंड में आते हैं तो बैंड ही बजा जाते हैं, और बैंड कैसे बजाएंगे, इनकी बैंड तो मैं बजाऊंगा। ओए मार क्यों नहीं रहा ये, ओए ये क्या मर ही नहीं रहा मुन्ना। ए भैया फिर से मारिए यार। ओए नहीं मर रहा है, अब मर गया फाइनली जाकर। ओए एक और बचा हुआ, इसको भी मार देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया जल्दी जल्दी मारिए। ओए मार ही तो रहा हूँ। ओए बाप कर देते इसकी मिलकर ठक टिकी। बिल्कुल सही कहा, हो गई इसकी ठक टिकी, अब चल हो गई इसकी ठक टिकी। ओए और तो नहीं है। हे भैया और तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि भैया सभी ने मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दिया था, और भैया अंदर हो तो उनकी बात अलग है। हे भैया वो देखे एक और है सामने। ओ ये क्या, ओ इधर भी पता नहीं अपना बसेरा बना कर रखा है। हे भैया पूरी एसिप ही एलियंस का है, तो एलियंस नहीं रखे तो और क्या मिलेगा भैया। ओए चलो ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ओए जल्दी से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं, लेकिन कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे। और हमला कैसे करेंगे, इन्हीं के ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ से मारते हैं लोगों को, पहले इनको निपटाते हैं फिर देखेंगे। हाँ भैया इनको तो निपटाना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया परेशान करेंगे। और परेशान कैसे करेंगे नमूने, इनको तो मैं ही तोड़ दूंगा। और तोड़ दूंगा, और मुन्ना आज बहुत सारी एलियंस का तोड़ा है, और इसको भी तोड़ दिया, एक और बस बचा है। हे भैया एक नहीं बचा होगा, बहुत सारे हो गए, ऊपर ही एक बचा है। और रुक जाए इसको नीचे गिरा देते हैं। और ये क्या, हमें गिराने में लग गया। और बाप तोड़ दे, नीचे गिर दे जल्दी से, और जाएगी तेरी टक टक। और ये क्या ऊपर लिया जा रहा है, और निकल ले। ओए गया नीचे, मर गया ना, जैक से पंगा लेने आया था। ओए मुन्ना इधर ही देखा था ना। हे भैया ये क्या, यही लगता है पावर सेंटर। ओए पावर सेंटर ठीक है मुन्ना, ये देख इसके सामने एक पोर्टल भी है। मतलब कि एकदम मजा ही आ गया, पावर सेंटर भी मिल गया सबको उड़ाने के लिए, और पोर्टल भी मिल गया क्या। और इधर क्या है, और ये क्या मुन्ना, इधर तो बीकन ही बीकन है। हे भैया सबसे बड़ा खतरा तो यही आ गया ना, इन एलियंस ने भी भैया बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया। अगर भैया हम लोग पावर सेंटर को उड़ाते हैं तब भैया पोर्टल भी उड़ जाएगा, और भैया अगर पोर्टल के जरिए घर जाते हैं तब भैया पावर सेंटर नहीं उड़ पाएगा। अब क्या करें भैया, वो एक नमूना नीचे भी घूम रहा है। हे भैया क्या दिमाग में लगा दिया इन लोगों ने, अब क्या कर सकते हैं। ओए मुन्ना अब तू ही सोच, हम क्या जाने। हे भैया इनको नहीं टच करिएगा, नहीं तो भैया यहीं पर फूट जाएंगे सभी लोग, और भैया हम लोग घर भी नहीं जा पाएंगे। और तो घर अभी कहाँ जा पा रहे हैं, तू बोल रहा है पावर सेंटर हुआ तो पोर्टल भी उड़ जाएगा। हाँ भैया कुछ सोच नहीं लीजिए भैया, इसको निपटिए ना। ओए निकल लेना मुने, ओए ये ले, ओए बाप इसको निपटा दे, कर दूंगा तेरी मैं ठक टिकी। हो गया इसकी ठक टिकी, अब जल्दी जल्दी कुछ सोचो। हे भैया सोचना का यार, पहले इस शिप को उड़ाते हैं फिर देखा जाएगा।
ओए मुन्ना कैसे उड़ाएंगे? ओए इन गुब्बारों को ही फोड़ दे क्या है भैया, इनको नहीं फोड़ेगा नहीं तो घर जाने का थोड़ा मोड़ा जो चांस बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। चलिए भैया इधर हम लोग TNT लगाते हैं क्योंकि भैया TNT थोड़ी देर में फूटता है। ओए मुन्ना कहीं बैंड न बज जाए, कहीं पोर्टल भी न बंद हो जाए और हम लोग यहीं पर फंसे रह जाए। हे भैया ऐसा नहीं होगा, यही है पावर सेंटर। चलिए भैया इस पावर सेंटर को उड़ाते ही तुरंत पोर्टल की ओर भागना है। काश भैया हम लोग का यह प्लान काम कर जाए, लेकिन भैया अगर प्लान नहीं काम करा ना तब तो भैया यही पर हम लोग की भी बैंड बच जाएगी। और मुझे अपने घर जाना है मुन्ना। आओ मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ। क्या हो? मैं भी तो जाना चाहता हूँ यार। और मुन्ना तू भी ना संभाल कर चीजें नहीं लगाया करता, गिरा देता है। हे भैया चलिए अब आखिरी 2 TNT लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हे भैया अब 2 ही काम हो सकता है, या तो भैया हम लोग इधर ही फट जाएंगे या तो भैया पोर्टल हमें उस पार निकाल देगा। ओए क्या होगा? और लगा दूं क्या? हाँ भैया लगाइए। ओए जय माता दी, निकाल दे उस पोर्टल उस पार हमें। हे भैया निकाल देगा क्या? ओए देखते हैं। ओए ये क्या? ओए ओए सारी चकरा गया। हे भैया उठ जाइए यार। ओए ओए मुन्ना सामने देख रहा है क्या? आओ हम लोग अपने घर आ चुके हैं। क्या? ओए घर आ गए मुन्ना। हे भैया घर आ गए फाइनली, मतलब कि भैया पोर्टल ने हम लोग को उस पार निकाल दिया और भैया शिप भी फट गया होगा। देखिए भैया सभी एलियन शिप गायब हो गई और भैया एलियंस भी। ओए मजा ही आ गया। ओए गौलम ये ले, उस पार फूल नहीं चढ़ा रहा, तुझे फूल चढ़ा दिया। ओए मुन्ना घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओए मुन्ना घर की तो बात ही कुछ अलग है। हाँ भैया वो बात तो सही है यार। हे मुकू मेरे भाई, सभी एलियंस का खात्मा कर दिया यार। वाओ बहुत बढ़िया बिल्ले वाओ। हे यार मुकू बहुत दिन बाद मिलकर अच्छा लगा। ओए किटी कैटिस कैसी हो? ओ किटी कैटिस हम लोग घर आ चुके हैं। क्या? ओ घर की बहुत याद आ रही थी, एलियंस से पंगा लेते लेते हम लोग की बैंड बज गई थी। क्या? मैं तो चला भैया सोने क्योंकि भैया मुझे अब काफी ज्यादा नींद लग चुकी है। इतनी भैया फाइट लड़ी कि भैया मुझे काफी ज्यादा थकान भी हो चुकी है और मुन्ना थकान तो मुझे भी हो चुकी है। ओ मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, कल सुबह देखेंगे क्या होता है, ले सोते हैं खाना खाके। क्या हो? सभी को गुड नाइट। ओए गुड नाइट मुन्ना, गुड नाइट भैया। तो गाइस ये एडवेंचर में अगर आपको मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे हम लोग को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, कर दो ना, वो तो फ्री में हो जाता है। ओ बिल्कुल सही, सब्सक्राइब बटन की कर दीजिए ठक ठक। और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और गाइस डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना यार। I think the girls with their nails done now.